हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा अहम है जो स्टूडेंट्स क्लास 12 का प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे पैटर्न के बारे में पूछ लिया जाता है। अब ये पैटर्न कैसा होगा, देखिए पैटर्न किस तरीके का होगा, स्टार पैटर्न आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग रूल्स बन रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुल मिला के 5 रूल्स मैंने बना दिए। अब देखिए इसमें कॉलम्स बढ़ेंगे, तो कॉलम बढ़ेंगे तो पहले एक कॉलम था ऊपर ऊपर, ये देख सकते हैं ये एक सिंगल था, फिर यहाँ दो हो गया, ठीक है, फिर यहाँ तीन हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है ना। और ये स्टार के फॉर्म में होगा, ठीक है, स्टार के फॉर्म में, ठीक है। मैंने यहाँ कट किया लेकिन इसको स्टार के फॉर्म में आप मान के चलिएगा। ये 4 हो गया, फिर लास्ट में करके ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो सकता है, कितना भी हो सकता है ये, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल देने के लिए केवल बता रहा हूँ। और ये एक आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल शेप बनता हुआ आपको नजर आएगा। ये देखिए ये ट्राइंगल शेप बन रहा है ना। अब ये ट्राइंगल शेप जो बन रहा है ये हम कैसे बनाएंगे पाइथन में कोडिंग की मदद से, यहां पर सवाल उठता है। तो सबसे पहले तो पाइथन को ओपन कर लेना है आपको। इक्वल टू यहां पर देखिए इंट, अब जब भी इंट एंटर करेंगे तो इंटीजर ही एंटर करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि फ्लोट में पर कॉलम की संख्या आप एंटर करेंगे, इंटीजर में ही तो करेंगे। यहां पे एंटर द नंबर ऑफ रोज, ये कर दिया एंटर द नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब ये कर देने के बाद करना क्या है आपको, यहां से इसको पकड़िए और यहां से इसको पकड़ने के बाद एंटर कर दीजिए नीचे, और यहां पर आने के बाद क्या करना है, यहां पर अब आपको लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे यूजर द्वारा एंटर किया गया। जैसे मान लीजिए यूजर ने 5 एंटर कर दिया, तो 5 एंटर करने का मतलब कि 5 बननी चाहिए, 5 बने इसके लिए हम लूप लगाएंगे। तो ये लगाया लूप रेपिटेशन के लिए, और यहाँ एक वेरिएबल आई बना लेते हैं, आई इन रेंज का इस्तेमाल करेंगे। रेंज एक माइनस करके देता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। और यहाँ पे ए लिख देंगे, ए यानी कि आई इन ए, आई इन ए का मतलब हो गया तब तक चले जब तक कि ए तक ए से एक कम हो जाए, मतलब ए में 5 है तो 4 प्रिंट होगा, ठीक है ना, आई बात समझ में। अब देखिए आगे क्या करना, एक और पीसी के अंदर हम एडजस्ट करते हैं। अब जे जे कर दिया मैंने, ये जे है, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। देखिए जे इन रेंज, इन रेंज ये कर दिया। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे कर देंगे हम आई प्लस वन। आई प्लस वन का क्या अर्थ है, जैसे मान लीजिए कि यूजर ने एंटर किया 5, ठीक, कुछ भी एंटर किया यूजर ने तो इतने रोज बन जाएंगे, लेकिन जैसे यूजर एंटर करेगा, देखिए ध्यान से, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एक काम और करता हूं, यहां पे प्रिंट करवा लेता हूं। जैसे स्टार पैटर्न प्रिंट कराना है ना हमें, तो ये देखिए ये स्टार पैटर्न हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे एंड कर लेता हूं, एंड, ठीक है, यहाँ पे एंड यूज कर दिया, और यहाँ पे एक बार स्पेस कर दिया इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, यहाँ लाइन चेंज करने के लिए प्रिंट करके और यहाँ बैकस्लैश एन लगा देते हैं ताकि लाइन भी चेंज होती रहे। तो बैकस्लैश एन तभी लगाया जाता है जबकि लाइन चेंज करती है। अब ये तो हमारा कोड हो गया, लेकिन यहाँ पर अब वापिस आते हैं, ये जो है ना ये हिस्सा, यहाँ पर वापिस आते हैं और समझने करते हैं कि इसका क्या मतलब निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए यूजर ने 5 एंटर किया तो 5 बन जाएंगी। तो ये देखिए ये 1 रो, ये स्टार ही है, स्टार वाला 5 को बनेगा, ये देखिए 3, 4 और ये 5, ध्यान से देखिएगा ये 5 तो बन जाएंगे, लेकिन अब हमें कॉलम्स भी तो चाहिए होंगे। यहाँ इस वाले पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अलग कलर से, थोड़ा डिफरेंट कलर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला हिस्सा ध्यान दीजिएगा, फॉर जे इन रेंज आई प्लस वन, आई में वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा आई प्लस वन, यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, जैसे आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा, आई की वैल्यू 4 होगी तो 4 + 1 = 5 हो जाएगा, ये समझ में आई बात। ये देखिए ये 4 हो गया, देन ये 5 हो जाएगा, तो ये इस तरह का पैटर्न हमें मिल जाएगा। और क्योंकि बैकस्लैश एन लगाया है तो लाइन भी चेंज होगी, और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए स्टार पैटर्न हमने दिया ही है, यहाँ पर जो लिख देंगे वही चीज प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब इस चीज को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे ये पॉसिबल है, ठीक है। चलिए ये चलते हैं, ये आ गया मैं पाइथन के आईडीई पर। अब यहां पर हमें लिखना है, जैसे मान लीजिए हमने बनाया था ए, तो यहां लिखा ए इज इक्वल टू इंट इनपुट, क्योंकि इंटीजर ही एंटर करने वाले हैं तो इंट इनपुट एंटर अ नंबर, तो ये कर दिया एंटर अ नंबर, या एंटर द नंबर ऑफ रूट कर सकते हैं आप, ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ रूट, नंबर ऑफ रूट आर डब्ल्यू एस, ये कर दिया हमने, इसको बंद किया एंटर किया। यहां पर जैसे ही आते हैं तो अब यहां लूप लगाते हैं, तो फॉर आई इन रेंज, ये लगा दिया आई इन रेंज। अब यहां पे क्या करेंगे, आई इन रेंज क्या देंगे, तो यहां पे हम दे देते हैं ए, ठीक है, यानी ए तक ये प्रिंट, ए से एक कम प्रिंट करें, रेंज का मतलब होता है एक घटा के, ठीक है। वैसे तो प्रिंट उतना ही करता है जितना होता है, लेकिन जीरो से स्टार्ट करता है, ठीक है,
एंटर करेंगे, यहां पर आएंगे, जैसे ही आएंगे यहां फिर फॉर लूप लगाएंगे, फॉर जे इन रेंज कर देंगे, और जैसे ही जे इन रेंज करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे जे इन रेंज करने का परिणाम यह होगा कि आई में एक हमें जोड़ देना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर एक है कॉलम जाए, पहले एक ही रहेगा, फिर दो हो जाएगा, फिर तीन हो जाएगा, फिर चार हो जाएगा, ऐसे करके ये चलता जाए, इसी के लिए मैं ये कर रहा हूं। तो ये हमने कर दिया है। अब यहां पे क्या करना है, प्रिंट फंक्शन को यूज कर लेना है, और जैसे ही प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर स्टार ही हमें पैटर्न प्रिंट कराना है, आपको जो पैटर्न प्रिंट कराना हो यहां पे पैरामीटर टू में दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पे क्या करूंगा, एंड एंड यूज करूंगा, एंड ठीक है इज इक्वल टू यहां पैरामीटर ओपन डबल क्लोज, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से कर देना है आपको, और यहां पे प्रिंट करवाएंगे तो ये लिखा प्रिंट, और यहां पे लगाएंगे बैकस्लैश एन, ये लगा दिया बैकस्लैश एन, ठीक है। जरूर दीजिएगा आप कॉलन लगा लीजिएगा, ठीक है। अब हो गया, पाइथन के ट्रेडिशनल आईडी पर काम करते हैं तो हो गया, ये बिल्कुल सही है। अब ये चल जाएगा। तो यहां कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज, तो अगर मैं 5 करता हूं तो यहां देखिए 5 रोज का पैटर्न प्रिंट हो रहा है, ठीक है। चलिए कुछ और चला के देखते हैं, 5 करते हैं और यहां पे मैं 10 कर देता हूं, तो 10 रूम्स का पैटर्न ये प्रिंट करके हमें देगा, देख सकते हैं एकदम इजी है, एकदम आसान है। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का पैटर्न आता है तो आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको स्टार नहीं बनाना था, तो यहां से स्टार हटा दीजिए, ठीक है। आपको 1 का पैटर्न बनाना है, यहां 1 लिख दीजिए और इसको सेव कर लीजिए और F5 कर दीजिए। तो आप देखेंगे तो यहां पे अगर मैं 5 एंटर करता हूं तो 5 इस तरीके का एक पैटर्न प्रिंट होगा, ये यूजर द्वारा मैंने किया है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी वीडियो, और इसको फॉलो कीजिएगा एग्जाम में जरूर, ठीक है। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके।